छत्तीसगढ़ में स्थिति काफी चिंताजनक है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार बाघ की संख्या घटते जा रही है। करोड़ों रुपए अभ्यारण्य के लिए दिया जा रहा है, लेकिन देने के बाद में बाघ की संख्या बढ़ती नहीं, बढ़नी चाहिए। आप मध्य प्रदेश में देख रहे हो लगातार बढ़ रही है, आप कर्नाटका में देख रहे हो कि लगातार बढ़ रही है, आप गुजरात में देख रहे हो लगातार बढ़ रही है। आखिर छत्तीसगढ़ में घटने का क्या कारण है? कुछ दिन पहले दो खाल मिला, मतलब 19 से दो खाल मिला तो 17 हो गए ना, और इसके बाद में उसके पहले भी इस प्रकार के जो यहां चाहे हाथियों की बात हो, भालू की बात हो या शेर की बात हो, लगातार करंट के माध्यम से, पॉइजन के माध्यम से वन्य जो जीव है, प्राणी है, उनके हत्या लगातार हो रही है। और बाघ में तो आश्चर्यजनक, मतलब जो जंगल का राजा कहा जाता है, उस जंगल के राजा को भी ये छोड़ने को तैयार नहीं है छत्तीसगढ़ में। एक तरफ हम लोग उसको अपना शान मानते हैं, हम करते हैं कि हमारे वन्य प्राणी कितने हमारे सुरक्षित हैं, और बाघ जैसे यदि सुरक्षित नहीं है, शेर सुरक्षित नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा प्राणी सुरक्षित होगा? आखिर इतना करोड़ खर्चा करने के बाद भी पैसा कहाँ जा रही है, मुख्य प्रश्न यह है। और जो खाल मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इस बात को हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि अंतर्राज्य गिरोह, और मैं तो कह सकता हूं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह उसमें हो सकता है शामिल हो आगे, तो ये यदि गिरोह शामिल होंगे और शिकार करेंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है। और दुर्भाग्य की बात है कि इस छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार इतने खर्च करने के बाद भी बचाने में असफल साबित हुए हैं।